हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रवि। आप देख रहे हैं मेरा चैनल गोल्डन बुल्स। कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है, तो एनालिसिस से पहले चलिए मैं आपको एक बार मेरे चैनल का चैनल के बारे में बता देता हूँ। थोड़ा सा हल्का सा ब्रीफ दे देता हूँ मैं अपने चैनल के बारे में। तो ये वाला जो है मेरा चैनल है गोल्डन बुल्स, ये मेरा चैनल का इंटरफेस है। और ये वाला जो है आज का रिकॉर्डिंग है, लाइव यूट्यूब लाइव का रिकॉर्डिंग है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम एनालिसिस डेली लाइव का एनालिसिस करें, यूट्यूब लाइव जब हम आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये हमारा कल का एनालिसिस वीडियो था निफ्टी का प्रिडिक्शन का, तो इसे भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जो यहाँ पे राइट साइड कॉर्नर में आपको जो क्यूआर कोड दिख रहा है उसे स्कैन करके भी आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो ये वाला जो है आज का 21,000 का सी जो हमने लिया था, 10:01 पे मैंने इसका लेवल्स प्रोवाइड किया था। उसने लगभग अगर देखेंगे, ये श्योर शॉट कॉल था, 100 से लेके 127 तक का इसने हमें टारगेट दे दिया है। और सेकंड हमें दूसरा अगर देखेंगे तो कोई कॉल ही नहीं मिला है। तो हमारा एक ही कॉल आज सी का बना था, तो उसी में हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो चलो अभी एनालिसिस शुरू करते हैं। तो फिन निफ्टी का अगर देखेंगे डेली में, अगर पहले डेली वाला कैंडल देख लेते, ये कहीं ना कहीं एक रिवर्सल हैमर का साइन है, ये रिवर्सल हैमर पैटर्न है। तो 15 मिनट में देख लेते हैं इंट्राडे में आज क्या हुआ और मार्केट कल क्या कर सकता है। तो आज अगर देखेंगे मार्केट ने वो फ्लैट ओपनिंग देखे, नीचे कैंडल फर्स्ट वाला जो 15 मिनट का कैंडल है वो नेगेटिव कैंडल बना दिया था, लेकिन उसको फॉलो थ्रू नहीं मिला। तो मार्केट ने एक नया ऑल टाइम हाई लगा के नीचे आया मार्केट। उसके बाद में कंसोलिडेशन, पूरा दिन मार्केट कंसोलिडेशन फेज में ही चल रहा था। तो कल अगर कल का ट्रेडिंग प्लान क्या होगा हमारा, कल के लिए कौन से लेवल हमें इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो कल के लिए अगर देखेंगे, अगर मार्केट फ्लैट खुल के अगर नीचे आता है तो हम सेल करेंगे 21,160 के नीचे या 50 के नीचे हम सेल का पोजिशन बनाएंगे। तो नीचे के साइड में अगर देखेंगे तो हम मल्टीपल सपोर्ट्स है मार्केट के लिए, फिर निफ्टी के लिए। तो नीचे के साइड अगर देखेंगे तो ये वाले डाउन साइड के लिए हमारे टारगेट होने वाले हैं। ये जो है ये होगा हमारा, एक मिनट यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये रहेगा हमारा फर्स्ट सेलिंग लेवल। यहाँ से हम सेलिंग करना स्टार्ट करेंगे, इसके नीचे हमें जब भी क्लोजिंग मिलेगा तो हम यहाँ से लेके नीचे के साइड की ये टारगेट हमारे इंट्राडे में होने वाले हैं। तो ये जब मार्केट फ्लैट खुल के मार्केट इस 21,150 के नीचे कोई हमें कैंडल क्लोजिंग मिलेगा, तो नीचे के साइड के लिए हमारे टारगेट रहने वाले हैं 21,000। फर्स्ट टारगेट रहेगा 21,881। सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 21,014। थर्ड टारगेट हमारा रहेगा 21,948 या 50 का आप पकड़ के चल सकते हो। तो मार्केट यहाँ पे गैप फिलिंग के लिए भी मार्केट कल आ सकता है, अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आने की अगर कोशिश करेगा या डाउन साइड अगर ट्रेड करने लगा। तो अगर फ्लैट खुल के मार्केट ओपन होके अगर इस हम लॉन्ग कब करेंगे तो उसका मैं बता रहा हूँ, जब तक हमें इस ऑल टाइम हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं मिलती है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और यहाँ पे आके रिजेक्शन भी देने लगा, तो भी हम इस लेवल के नीचे ही मार्केट को सेल करना प्रीफर करेंगे 21,150 के नीचे, क्योंकि यहाँ से रेजिस्टेंस देके मार्केट फिर यहाँ पे साइडवेज जा सकता है। और लॉन्ग करने के लिए हमें एक कैंडल मार्केट क्लोजिंग चाहिए 21,320 या 30 के ऊपर, हमें अच्छे से स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग चाहिए, तब हम ऊपर की साइड में इंट्राडे के लिए लेवल्स देख सकते हैं।
अगर मार्केट फ्लैट खुल के इसके ऊपर सस्टेन करता है या फिर गैप अप होके इसके ऊपर सस्टेन करता है तो लाइव मार्केट में मैं लेवल्स अपडेट कर दूंगा। तो आइए निफ्टी का देख लेते हैं हम क्या है कल के लिए ट्रेडिंग प्लान। तो कहीं ना कहीं अगर देखेंगे निफ्टी का भी सिमिलर ही चार्ट है। मार्केट ओपन होने के बाद में थोड़ा सा अप मूव देने के बाद एक डाउन मूव दिया मार्केट ने, अच्छी खासी बेरिश कैंडल बना दी और मार्केट पूरा दिन साइडवेज ही रहा। तो हमने एक जो मूव था सी वाला जो मूव था हमने ये वाला पकड़ा था, एक ये वाला सी का मूव हमने पकड़ा था, उसके बाद में मार्केट पूरा साइडवेज ही गया। तो हमारे ये वाले जो टारगेट है ये परसों के दिन फ्राइडे के दिन ही आ चुके थे 21,000 का, लेकिन ये 21,000 जो है राउंड नंबर होने की वजह से मार्केट अभी यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है। और कहीं ना कहीं अगर डेली में भी अगर देखेंगे निफ्टी का भी चार्ट हम देखेंगे डेली में, डेली क्लोजिंग भी कुछ ना पूरा बेरिश है ना पूरा बुलिश है। तो अगर हमें निफ्टी को अगर सेल करना है तो सेल करने के लिए जो लेवल है सेलिंग का लेवल जो रहेगा वो 950 का रहेगा, 20,950 के नीचे हम सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। तो नीचे के साइड में ये वाला फर्स्ट टारगेट रहेगा और नीचे आता है तो ये वाला मैंने मार्क करके रखा हुआ है, ये वाले टारगेट भी आ सकते हैं। लेकिन मार्केट के लिए 20,850 से लेके 60 जो है ये बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट होने वाला है। तो मार्केट यहाँ से एक बाउंस फिर से ले सकता है अगर मार्केट फ्लैट खुलता है कल और इस लेवल के ऊपर ट्रेड करने लगता है 21,000 के ऊपर, तो हम लॉन्ग कर सकते हैं टिल 21,100 हमारा टारगेट रहने वाला है कल के लिए। आइए अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं एक बार। बैंक निफ्टी ने भी सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न बनाया हुआ है, मतलब यहाँ पे खुला थोड़ा सा ऊपर गया फिर रिजेक्शन कैंडल बना के पूरा दिन साइडवेज ही रहा है मार्केट। तो अगर फ्लैट खुल के मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है तो ये जो हाई है कल का इसके ऊपर ही हम बुलिश पोजीशन लॉन्ग पोजीशन हम कंसिडर करेंगे। तो ऊपर के लिए हमारा टारगेट रहेगा 48,160 या 50, ये वाला हमारे लिए कल के लिए टारगेट रहने वाला है। अगर सेल करने की हम बात करें तो हम 47,230 के नीचे हम सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे और जिसके टारगेट हमारे रहने वाले हैं फर्स्ट टारगेट तो ये वाला होने वाला है, ये फर्स्ट टारगेट रहेगा 46,980। सेकंड टारगेट फिर ये वाला रहेगा जो स्विंग लो है आज का स्विंग लो 46,740। उसके बाद अगर नीचे निकलता है गैप फिलिंग के लिए तो नीचे वाले ये टारगेट रहने वाले 46,650, 46,370 ये मेजर टारगेट रहने वाले बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे अगर निकलता है तो। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके अगर ऊपर निकलता है तो डे हाई के आज का जो डे हाई है उसके ऊपर ही हम लॉन्ग पोजीशन कंसिडर करेंगे। अगर डायरेक्ट ही गैप अप खुलता है तो हम प्राइस एक्शन का वेट करेंगे 10-15 मिनट, मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है, डाउन साइड मूव देने की कोशिश कर रहा है या अपर साइड मूव करने की कोशिश कर रहा है। तो अपर साइड के लिए ये वाला जो है 48,163 ये हमारा टारगेट होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही था। अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही था, थैंक यू, धन्यवाद।